रायसेन की जनपद पंचायत सांची अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अंबाड़ी का मजदूर आसाराम मालवीय को राशन की खाद्यान्न पर्ची बनवाने के लिए 6 महीने से परेशान होना पड़ रहा है। उसने अपना आवेदन भी कर दिया है, इसके बाद भी अभी तक उसे पात्रता पर्ची नहीं मिली है, जिससे वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। आसाराम मालवीय ने सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। आसाराम मालवीय ने बताया कि उसके पास पात्रता पर्ची नहीं है, जिसको लेकर उसने 6 महीने पहले आवेदन किया है, मगर उसे पात्रता पर्ची नहीं मिली है, जिसको लेकर वो कई बार शिकायत कर चुका है। उसे राशन नहीं मिलता है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां सबको 4 महीने का राशन मुफ्त मिला, वहीं आसाराम को एक दाना भी नहीं मिला है, जिसको लेकर उसके जीवन यापन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसाराम मालवीय मजदूरी करता है, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और तो और शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ना तो मेरे पास राशन कार्ड है, ना राशन कार्ड मिलने वाली वो पर्ची है। बार बार पंचायत भवन जा रहा हूँ तो मुझे एक समझाइश दी जाती है, राशन जाओ, राशन जाकर राशन से बात करो। अभी गया था पंचायत भवन तो सरपंच साहब से ही बोला था, वो बोल रहे थे मेरे से बात मत करो, पंचायत भवन जाओ। सर अभी तक कुछ नहीं बना, कितना लॉकडाउन लग गया, मुझे एक भी छटाक दाना नहीं मिला जो 50 ग्राम गेहूं मिले हों। कई बार सीएम हेल्पलाइन भी नंबर लगा चुका, आप मेरे मोबाइल में शेयर कर दिखा दूंगा आप नंबर। सीएम हेल्पलाइन में क्या बोलते हैं भाई? यही बोलते हैं, हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली, ठीक है आपका निराकरण हो जाएगा, बस यही देख बंद कर देते हैं मोबाइल। सरपंच सचिव से बोला गया? बोला, 10 बार बोला सचिव से भी, सरपंच साहब को आज ही गया था, मैं बोल रहा था मेरा काम नहीं है, पंकज का काम है। पंकज बोल रहा है ये मेरा काम नहीं है, रायसेन जाओ, रायसेन का काम है, खाद्य विभाग से बनेगा। कल लगे हमारा काम नहीं, हम तो सिर्फ शिकायत देते हैं वहाँ पे। अब क्या किया जाए साहब, इन्हें रोड पर लेकर घूम रहा है पर्ची के लिए। सर कम से कम आज 4वीं साल लग गई अभी तक, ये बच्चे हैं मेरे, इतने बड़ा पूरा परिवार है। जहां एक ओर शासन प्रशासन गरीबों की मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, वहीं कुछ अधिकारियों की वजह से ये परवान नहीं चढ़ती हैं और गरीब उसका लाभ लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।